को हाथ लगाएगा क्या? नहीं सर। एक बार कभी चाकू पकड़ेगा? नहीं सर। ये काम है चोरी में। इसके लिए एक विस्तृत बैठक बुलाई गई थी और इसमें सभी अधिकारियों से चर्चा की गई, इसकी रूपरेखा बनाई गई। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के अभियान का निर्देश दिए हैं। बहरहाल इस पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हम लोग कर रहे हैं और मुख्य तौर पर इस पूरे अभियान को एक जो भी अस्थाई वारंटी है, जो इस तरह के बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस का एक अभियान जारी रहेगा। और पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहली बार जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें 1500 से ज़्यादा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई थी। इस तरह की कार्रवाई पूर्व में भी 2 से 3 बार बड़े स्तर पर की जा चुकी है और आज की भी कार्रवाई एक व्यापक स्वरूप में होगी। सर, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? इसमें मुख्य तौर पर जो बड़े अपराधी हैं या मुख्य तौर पर ऐसे अपराधी जो वांटेड हैं, जो अस्थाई वारंटी हैं, जो गिरफ्तारी वारंटी हैं, जिन पर प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इनसे ऐसे बहुत सारे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस एक संयुक्त अभियान चलाती है और व्यापक स्तर पर उसमें कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे अभियान को बेहतर ढंग से करेगी। कितने जवान सड़कों पर आएंगे, थाना को लगातार जवान कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ इसमें चल रही हैं। कार्रवाई को कई घंटे भी हो गए हैं, इसमें सुबह तक, देर सुबह तक इसमें सारे आंकड़े आ जाएंगे। लगभग अभी कितनी गिरफ्तारियाँ हैं? अभी इस पर कार्रवाइयाँ अलग अलग है, चूँकि कार्रवाइयाँ अभी अभी प्रचलन में है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो कार्रवाइयों के अंतिम आंकड़े आने के बाद सुबह में इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कैफे पब बारों की भी सख्ती होगी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।